नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं प्रणेंद्र। नवादा जिले के दो विद्यालयों में कथित अनियमितता की जांच होगी। कथित अनियमितता शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि जांच होगी तब क्लियर हो पाएगा, अभी तो आरोप है। दरअसल जिला शिक्षा पदाधिकारी नवादा दिनेश कुमार चौधरी को कमांड एंड कंट्रोल कोषांग से शिकायत प्राप्त हुआ, और जो शिकायत प्राप्त हुआ तो उसके बाद उन्होंने अपना लेटर नंबर 3126 के माध्यम से 25/11/2024 को आदेश जारी किया है जांच का। तो कौन सा प्रखंड है, कौन सा विद्यालय है, वो हम आपको बता देते हैं, और क्या आरोप है वो अभी हम आपको बताएंगे। तो मामला अकबरपुर प्रखंड का है, और अकबरपुर प्रखंड के दो विद्यालयों का है। एक तो है इंटर विद्यालय अकबरपुर, और दूसरा जो है उत्क्रमित मध्य विद्यालय पचरुखी का। तो सबसे ज्यादा आरोप जो है, सो किस विद्यालय में अनियमितता का क्या क्या आरोप है ये हम आपको बताते हैं। एक तो जो इंटर विद्यालय अकबरपुर है उसके बारे में आरोप है कि प्रभारी के वर्ग कक्ष में कोई दरवाजा नहीं है। दूसरा है कि विद्यालय में साफ सफाई नहीं होती है, साफ सफाई की व्यवस्था नहीं है। और तीसरा जो है ये आरोप है उसमें है कि विद्यालय का भवन नहीं है। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर आरोप है उसमें ये है कि विद्यालय का विकास कोष की राशि और छात्र कोष की राशि करीब 30 लाख रुपए का गबन कर लिया गया है। कोई लेखा जोखा विद्यालय में नहीं है, मतलब कि सीधा सा आरोप है कि 30 लाख रुपए का आरोप। प्रभारी प्रधानाध्यापक का नाम भी दिया गया है, प्रमोद कुमार घोष कोई हैं वहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापक, उनके ऊपर सीधा सा आरोप लगाया गया है। तो मूल आरोप यही है, भवन जर्जर है, प्राचार्य या प्रभारी प्रधानाध्यापक के का जो कक्ष है उसमें दरवाजा नहीं है, साफ सफाई नहीं है। और सबसे वित्तीय अनियमितता का जो मामला है वो कहीं ज़्यादा गंभीर बनाता है इस पूरे कंप्लेन को, कि 30 लाख रुपए विद्यालय विकास कोष और छात्र कोष की राशि को जो है का कोई लेखा जोखा नहीं है, मतलब गबन कर लिया गया है। ये आरोप जो है लगाया गया है इंटर विद्यालय अकबरपुर, सीधे कहिए कि इंटर विद्यालय अकबरपुर के जो प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं उनके ऊपर लगाया गया है। और चूंकि ये कमांड एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट कोषांग, कमांड एंड कंट्रोल कोषांग से ये पत्र आया है जिला शिक्षा पदाधिकारी को, तो ऐसे में उन्हें जांच कराना है, तो उन्होंने जाँच के लिए पदाधिकारी भी नियुक्त कर दिया है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो अकबरपुर हैं उनको जांच का जिम्मा दिया गया है, और कहा गया है कि जांच करके रिपोर्ट दीजिए ताकि तत्काल जो है सो इस रिपोर्ट को ऊपर तक भेजा जा सके। एक विद्यालय है इसके अलावा उत्क्रमित मध्य विद्यालय पचरुखी से संबंधित भी शिकायत है, और जो शिकायत है उसमें यह है कि यहाँ शिक्षक तो स्कूल आते जरूर हैं लेकिन अटेंडेंस बजाने के बाद गायब हो जाते हैं। यह भी एक आरोप उत्क्रमित मध्य विद्यालय का पचरुखी के मामले में, यही एक सिंगल आरोप है जिसकी भी जांच होनी है। तो दोनों जांच का से संबंधित आदेश जो है सो एक ही लेटर नंबर 3126 दिनांक 25/11/2024 के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश कुमार चौधरी के द्वारा जारी किया गया है। अब इस पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जो हैं उनको जांच करना है, और जांच करके रिपोर्ट देना है। जांच में रिपोर्ट में क्या आता है उस पर हमारी नज़र होगी, अगर कुछ अपडेट्स आएगा तो हम आपके सामने लेकर आएंगे। फिलहाल इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। एक अपील कि अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।